एवरीवन, दिस इज इत एंड यू आर वाचिंग द एक्स वर्ल्ड। और अभी मेरा एक्सेंट हो गया। भैया मैं ये बहुत खुशी से बोल रहा हूँ क्योंकि आई लव माय सेफ्टी गियर एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन सेफ्टी गियर। अच्छा हेलमेट था एमटी का, ईसी और अच्छे शूज थे, और आजो के अच्छे ग्लव्स थे, मोटोडेक के एंड जैकेट रायनॉक्स L2 मैन। मैं आपको दिखा था मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ। पर आई हैड एन एक्सीडेंट और मेरे को कुछ नहीं हुआ। मी पर्सनली थोड़े स्क्रैचेस लगे बस, वो भी एक इशू था, बट आई एम सेफ एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन सेफ्टी गियर। इन्वेस्ट इन सेफ्टी गियर मैन। मैं दिखाता गाड़ी के साथ क्या हुआ। ओके KTM 390 एडवेंचर। और ये गाड़ी पे आपको कुछ तो भी दिख रहा हुआ बोल के? गाड़ी पे एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, खाली ये जो क्रैश गार्ड है ना, तो क्रैश गार्ड घिस गया और वो जो नकल गार्ड है ना वो घिस गया, बस इतना ही हुआ गाड़ी पे। तो क्या हुआ बोलते हो, ये हाईवे के रोड पे हम लोग आ रहे थे, अच्छी स्पीड थी, तो आई एम नॉट गोना लाई स्पीड अच्छी थी, 80-100 की स्पीड में मार रहे थे रोड से। तो एक ब्लैक कलर का टारपोलिन का कवर रहता ना जो कार्गो गाड़ी के ऊपर रहता, तो जो कवर देखिए वो यहाँ रोड के सेंटर पे आ गया था। तो मेरे आगे एक बस थी, तो बस के पीछे कवर था, तो बस के नीचे से कवर चला गया, मैं नहीं देखा मेरे, तो मेरे गाड़ी के बीच में आ गया कवर और वो व्हील के लॉक में हो गया और मैं गाड़ी से गिर गया। ऑलमोस्ट 50 मीटर्स में वहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड मारते हुए आया। टारपोलिन का मेल्टेड, हाँ देखो वो टारपोलिन मेल्ट हो गया, वो हीट से वो टारपोलिन पूरा मेल्ट हो गया उधर प्लास्टिक का। सो मैं वहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर्स पूरा स्लाइड होके आया, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। पर्सनली आई एम फिट एंड फाइन। देखो पूरे पैर हाथ पूरे हिल रहे, ये थोड़ी सी खरोच लगी क्योंकि मैं राइडिंग पैंट्स नहीं पहना था। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइडिंग पैंट्स। ये एक चीज़ मेरे को लेने का और ये मैं आज ही घर जाके ऑर्डर कर रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज बाइंग राइडिंग पैंट्स। और मेरे ओराजो के शूज थे, तो मेरे शूज मेरे को सेव कर लिए। देखो ये स्टील टो, देख रहे आप स्टील टो है ये, तो ये शू मेरे को बचा लिया। और आप बोलते कि भाई ये अभी जूता खराब हो गया फेंक दो, नहीं, यू कैन स्टिल यूज दिस शू, स्टील टो है, सब कुछ है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द शू, देखो यहाँ से घिस गया शू ये। और ये मेरा हेलमेट था MT रैपिड, ये हेलमेट को भी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, इट एक्चुअली प्रोटेक्टेड मी। ये वाले मार्क्स दिख रहे आपको, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स, सो यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे मार्क्स है साइड पे और यहाँ पीछे थोड़े मार्क्स है। बाकी द हेलमेट इज फिट एंड फाइन, मेरे कैमरा को कुछ भी नहीं हुआ और जो अंदर कैमरा है उसको भी कुछ भी नहीं हुआ। बैग जो है बैग यहाँ से थोड़ा फट गया ये बैग, और मेरे ग्लव्स, दीज आर माई ग्लव्स मोटोटेक, इनको भी कुछ भी नहीं हुआ। राइट हियर ब्रो, मेरे को लग रहा है हैंडल गया रे, ब्रो हैंडल गया रे, हैंडल गया, थोड़ा सा बेंड लगेगा तुझे, तो ठीक है तू घर तक पहुंच सकता है। नया हैंडल कितना गया? हैंडल गया नहीं है, ठीक लग रहा है, गया रे। हाँ वो वहाँ चेक करवा ले, एक गया तो 99 है, और ये सब को इंश्योरेंस पे करवा, जीरो डेप है ना। हाँ एवरीथिंग गेट, व्हाट आर यू पेइंग इंश्योरेंस फॉर? अरे इंश्योरेंस अगर एक बार क्लेम करते फिर से क्लेम नहीं कर सकते ना? जितना चाहिए तेरे को, तो बोनस कम मिलेगा, वो 500 रुपए कम होगा तेरे नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में, बाकी पूरा फ्री ना। ये सारा जितना स्टॉक है ना सब पहले चेंज करवा ले फ्री में, उसके बाद आफ्टर मार्केट खरीद के ये सब अलग रख ले। ओके फर्स्ट पॉइंट इज, गलती किसकी थी, क्या था पूरा शॉर्ट बोल तो मैं। फर्स्ट पॉइंट आई एक्सेप्ट होल हार्टेडली, गलती मेरी है, ये रोड पे मेरे को 100 नहीं चलाना चाहिए था, थोड़ा ओवर हो गया हो, आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट, मैं ओवर स्पीड कर रहा था। ये रोड पे मैक्स टू मैक्स 50-60-70 चला सकते हैं आप, लेकिन बोलो रोड खाली है, फील ले रहे अपन, चला रहे कर रहे हैं। सो मैं बोला चलो ठीक है, गाड़ी निकाले 100 मारा हूँ। 100 मारने के बाद वो शीट नीचे आ गई, उस शीट के ऊपर मेरे टायर अनलॉक हो गए, स्लिट हो गया, मैं गिर गया एक 40-50 मीटर्स आके नीचे गिर गया। गिरने के बाद मैं रोल हुआ एक बार, तो पूरा हेलमेट के उसके ऊपर रोल हुआ नीचे और थोड़ा सा स्लाइड होके आगे गया। 2 सेकंड के बाद दो लोगों का मेरे को आके उठा लिए, उठाने के बाद थोड़ा चेक करे, पानी वानी पिलाए। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज आई चेक्ड माई सेल्फ, मैं 2 मिनट नीचे बैठा, मेरे को
पानी वानी पिला है जैनिल भाई, और अपने खेमल अन्ना मेरे को हेल्प करे, खेमल अन्ना खेमिल खेमल हेल्प करा मेरे को। सो बैंडेज वैंडेज सब लगा लिए, पानी वानी पिला लिया, ठीक है। नाउ आप मेरे को बोलो, जिसका एक्सीडेंट 100 के ऊपर स्पीड में होता और आपको ऐसा कोई मोटर व्लॉग करके दिखाता और खुद की गाड़ी खुद ही मैं चला के जा रहा हूँ, बिकॉज आई टेल यू समथिंग, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ इंटरनली एक्सटर्नली, कुछ मेरे को बड़े मोचा नहीं, कुछ जख्म नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो रेड कलर का स्क्रैच हुआ वो नी के पास, वो भी क्यों बोलता, मैं नी गार्ड्स नहीं पहना। अगेन टू मिस्टेक्स, फर्स्ट इज आई वॉज ओवर स्पीडिंग, सेकेंड इज मेरे पास राइडिंग गियर राइडिंग पैंट नहीं थी। मेरे को लोगों कमेंट सेक्शन में बात बोले भाई राइडिंग पैंट ले लो ले लो ले लो ले लो, अब मैं बोला ठीक है लेता हूँ, और मैं देखा स्टॉक मेरी जो साइज का स्टॉक था जो मेरे को ब्रांड में होना था वो नहीं था, वो लोग स्टॉकअप नहीं करे थे, ठीक है दूसरा ले लेना था, मैं नहीं लिया, मैं वेट करा। एक्सीडेंट बोल के नहीं होता, मे बी दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एन एक्सीडेंट, आपको नहीं मालूम कब होता हो, शायद ये होने का एक्चुअली एक्सीडेंट लिखा हुआ ही नहीं था, वो शीट वहाँ पड़ी हुई थी क्रॉस विंड की तरफ से यहाँ आ गई शीट, वो शीट वहीं की वहीं रहती थी, तो मेरी स्पीड 100 की थी, मैं कब का घर पहुँच गया था। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर इज, अब मेरा हेलमेट कौन सा था, मेरा जूता कौन सा था, मेरा जैकेट कौन सा था, क्या था। आई एम वेयरिंग अ राइनॉक्स जैकेट L2 एंड आई एम वेयरिंग ओराजो शूज विथ स्टील टो, मोटोटेक की है, मेरे पास ग्लव्स है और MT रिपाइड हेलमेट है, दैट इज़ वर्थ ऑलमोस्ट 12,000, ग्लव्स आर 3,500, माई जैकेट इज 6,500 एंड माई शूज़ आर 3,800, ये पूरा मिला के आपको 20-25-30,000 होता, ओके वेल डन गुड जॉब। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट लेने के बाद 100 की स्पीड के ऊपर थोड़े लोगों को एक्सपीरियंस नहीं रहता कैसा ब्रेक मारना क्या करना कैसा करना, मेरे को एक्सपीरियंस था, मैं अपने आप को बचा लिया सेव कर लिया एंड माई गेयर सेव्ड मी। ये जो 30,000 मैं अपने पर इन्वेस्ट करा ये भी एक्चुअली कम है, कमल के पास एल्पिन स्टार्स का है, ही इज़ वेयरिंग एन एल्पिन स्टार्स जैकेट, वो और महंगा जैकेट है, दैट जैकेट इटसेल्फ इज 15,000 का जैकेट है वो, और उन्होंने लिया वो क्योंकि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट मैन। सो उसके पास एल्पिन स्टार्स का जैकेट है, लोगों के पास डाइनीजी के शूज़ है। सो जब ये लोग लेते हैं ना, इट इज़ नॉट अबाउट द फ्लेक्स, लोग AGV का हेलमेट लेते हैं 50-60,000 का, 13,000-24,000 का, द सेफ्टी के ऊपर देर इज़ नो बार ऑन सेफ्टी मैन। अगर आप 1,00,000 का हेलमेट भी लिए ना फिर भी आपको बचाता हो, अब मेरा जो शेल है ना 13,000 का शेल मेरे को बचाया ये हेलमेट। सो द पॉइंट हियर इज ऑलवेज बाय द बेस्ट गेयर, आपके पास अगर जेब में 5,000 है ना पूरे डाल देना आप गेयर के अंदर, उसमें कंजूसी नहीं करना। 5,000 में मैं 1,000 के ग्लव्स लेता हूँ, 1,000 का हेलमेट लेता हूँ, ISI मैं बोल रहा हूँ ना अच्छे ब्रांड के लो, ISI में भी अच्छे एक्स और के आते हैं, और मेरे हेलमेट में डबल डी रिंग है, क्लिप नहीं है, क्लिप रहता तो वो क्लिप तोड़ के हेलमेट बाहर निकल जाता था, डबल डी रिंग है मेरे हेलमेट में, और मेजरली गाड़ी को क्या क्या बोलते वो जो नकल गार्ड है उसको प्रॉब्लम हो गया, जो क्रैश हुआ मिरर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, और यहाँ पे जो क्रैश गार्ड है वो वाला घिस गया, तो गाड़ी ऐसे टिल्ट होके गई, मैं एक बार रोल भी हुआ। सो दैट इज़ वॉट हैपेंड, ये पूरा इंसिडेंट है। एंड द पॉइंट हियर इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन राइडिंग गेयर, पैसा डालो डालो डालो, प्लीज़ अपने घर वालों को बोलो, 5,000 का हेलमेट भी सस्ता है, मैं 13,000 का लेके चला रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, नो आई डोंट हैव टू गो टू एन हॉस्पिटल, आई डोंट हैव टू क्लेम माई इंश्योरेंस, आई डोंट हैव टू ऑल दैट हैसल, और मैं घर जाके मैं बोल सकती हूँ कि येस आई वॉज पार्ट ऑफ एन एक्सीडेंट एंड माई राइडिंग गेयर सेव्ड मी। सो प्लीज़ एक बार सोचो व्हेन यू आर बाइंग गेयर, डोंट चीप आउट कंजूसियाँ, भाई ये महंगा दिख रहा है डिस्काउंट में दो सस्ते में दो, ये करो वो करो, भाई पहले अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, इसके अंदर अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ आपको, अभी तो मैं आपको गेयर का बोल दिया, अभी यही इंसिडेंट अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर जाता था तो मेरा शॉर्ट कितना होता था मैं आपको अभी ये बोलता हूँ। पहले आपको बोलेगा रूम देते बेड देते ये करते वो करते, पहले दिन आपको एंट्री करने के 40,000 लेते, फिर उसके बाद एवरीडे 40-50 इट डिपेंड ऑन कितने दिन रहते आप। मेरे सर को कुछ मेजर नहीं हुआ डैमेज, कुछ मेरे आँखों को विजन को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे रिस्ट को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पैर को कुछ भी नहीं हुआ, मेरा अगर पैर मुड़ जाता था तो वो एक प्रॉब्लम थी, हाथों में स्क्रैच आते थे, सर की जो मार है आपका सर बहुत सेंसिटिव पार्ट है आपके पूरे बॉडी का तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती थी। नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन, हॉस्पिटल के लाखों पैसे बच गए भाई, पैसे के अलावा भी भाई देर इज़ समथिंग कॉल्ड टेंशन एंड प्रेशर। अब अगर वही मैं मेरे घर जाए बोलता था तो वो लोग और टेंशन में आते थे, इसका एक्सीडेंट हो गया ये हो गया वो हो गया बोल के। सो द मेजर पॉइंट हियर इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन सेफ्टी गेयर, खुद का गेयर खरीदो। मैं जो गेयर पहना ना वो भी सस्ता है, मैं बोल रहा हूँ ना 13,000 का हेलमेट भी सस्ता है ब्रो, 6,000 का जैकेट भी सस्ता है ब्रो, 3,000 के जूते भी सस्ते हैं ब्रो, आपकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है। सो प्लीज़ ऑलवेज इन्वेस्ट इन सेफ्टी गेयर, दिस इज आदित्य, यू आर वॉचिंग दिस वर्ल्ड। मेरा एक्सीडेंट अभी हुआ 100+ की स्पीड में और मैं फिर भी मोटर ब्लॉक कर रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली फाइन। थैंक्स टू माई फ्रेंड कमल एंड थैंक्स टू जैनिल भाई जो अभी आ रहे पीछे, दैट इज़ कमल एंड दिस इज़ जैनिल भाई, तो ये लोग मेरे को हेल्प करे और ये लोग मेरे को
गाइडेंस दिए। जैनिल भाई यू नो दिस गाय जो मेरे साथ शू लेने आए थे, शू में हेल्प कर रहे थे। एंड कमल यू नो जो आया था मेरे साथ जैकेट लेने को, सो ही इज़ वेयरिंग अ मोटोटेक का जैकेट, ही इज़ वेयरिंग एन एल्पिन स्टार्स का जैकेट, उसका एमटी का हेलमेट है, इनका LS2 का हेलमेट है, इनके पास राइडिंग बूट्स है, उसके पास राइडिंग पैंट्स भी है, उसके पास उसको वहाँ पे नी का प्रोटेक्शन भी आता था। तो मेरी दो मिस्टेक थी, आई वॉज ओवर स्पीडिंग, आई डेंट हैव राइडिंग पैंट्स। अगर मेरे पास राइडिंग पैंट्स होता तो आई कुड हैव सेड कि ओवर स्पीड बचा लेता था, लेकिन नो, दैट इज़ माई फॉल्ट, आई कंप्लीटली टेक इट ऑन माई सेल्फ। एल्तू ना बाय, थैंक्स अत, थैंक यू सो मच रा, थैंक यू सो मच, इंटर कॉल चेस्ता, थैंक यू सो मच रा, ఇది 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 నేను కొనాలి ఇప్పుడు ఇది. నెక్స్ట్ ఇదే ఇంటికి వెళ్ళంగానే బుక్ 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 జనరల్ భయ తుమే హెల్ప్ కరేతా సారా ఇన్కా పూరే గేర్ దేకో హెల్మెట్ అచ్చా జాకెట్ అచ్చా ఇను భీ ప్యాంట్ నై పహనా భయ నెక్స్ట్ రైడ్ సే ప్యాంట్ భయ నువ్వు ఘర్ సే నిక్లా ప్యాంట్ పహన్ కే ఆ భయ ఇను పహనానా ఇను అపన్ బ్రో మే సో మజా కూడా ఇను లేలా తా కహా బోల్కే బట్ దట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సేవింగ్ హిమ్ బ్రో మామా అరే నేను నేను వచ్చినప్పుడు చెప్పినా కదా ఏంది పిచ్చోడు ఇంత వేసుకొని వచ్చి లేల దాకా వచ్చినట్టు నేను అది వేసుకుంటే ఇది 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 కాకుండా పోతేరా మేము పెంతా నయ్యోతా బ్రో యువర్ స్మార్ట్ బ్రో యువర్ కమల్ విత్ కే ఆల్పైన్ స్టార్ జాకెట్ గైస్ ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గేర్ ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సేఫ్టీ గేర్ అచ్చాసే అచ్చాలో అచ్చాసే అచ్చా హెల్మెట్లో అచ్చాసే అచ్చా జాకెట్లో అచ్చాసే అచ్చా ఐ మీన్ సేఫ్టీ గేర్లో మీరు గాడికి భీ క్రాష్ కాడితే భయ గాడికి కూడా చోడో సైడ్ మేరకు ఇన్సూరెన్స్ మే క్లెయిమ్ అవుతాయి మీరు పాస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ భీ ఏ బాత్ నీ మేరే పాస్ ఇన్సూరెన్స్ నయ్యా లేకిన్ రైడింగ్ గేర్ సేవ్స్ యువర్ లైఫ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు ప్రూఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ సంథింగ్ కుచ్ సమజ్ మే ఆయా కుచ్ ఖరాబ్ బోల్ తో ఈ వీడియోకు షేర్ కరో షో దిస్ టు యువర్ పేరెంట్స్ మే ఏ వీడియో మేరే మామ్ కో బడే టీవీ పే 4K పే దిఖానే వాలా హూ 65 inches కే టీవీ పే కి వై ఐ ఇన్వెస్టెడ్ సో మచ్ ఇన్ గేర్ మేరే మామ్ భీ హస్ రహే థే యూ పాగల్ హో గయా 13,000 కా హెల్మెట్ లే రహా 5,000 కా భీ మిల్తా నా రోడ్ పే మిల్తా 300 కా షో దిస్ టు యువర్ పేరెంట్స్ షో దిస్ టు యువర్ బ్రదర్ షో దిస్ టు యువర్ వైఫ్ షో దిస్ టు యువర్ నేబర్ షో దిస్ టు యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ షో దిస్ టు యువర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ Why riding gear is important? और ये mirror को देखो, इन्हें थोड़ा funny act कर रहा। So ये सब तो पूरा insurance में claim हो जाता है और उसके लिए I'll take a TT का shot और दो तीन दिन में वो जख्म भी हील हो जाता। Thanks to हल्दी का दूध, अपनी घर की रेसिपी। So that's it guys, this is Ditya, you're watching Deets World and please invest in safety gear. इससे ज़्यादा अच्छा example तो मैं आपको नहीं दे सकता भाई। This इससे ज़्यादा अच्छा example तो भाई खत्म खलास। मैं जा रहा हूँ भाई, take care. I'll meet you in the next one. Bye bye. Seventh day, you leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.